नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे इटली वर्सेस इंग्लैंड इन द यूरो क्वालिफायर्स। सो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है अभी वर्ल्ड कप हुआ था और इंटरनेशनल फुटबॉल इज बैक। अगर आप भूल गए होंगे, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि अर्जेंटीना आर एक्चुअली वर्ल्ड चैंपियंस एज दे वन द वर्ल्ड कप इन 2022। बट ये मैच होगा इटली और इंग्लैंड के बीच में। वर्ल्ड कप हो चुका है खत्म, बट नेक्स्ट स्टेप है फॉर दीज कंट्रीज इज यूरोस 2024, जिसके लिए ऑब्वियसली क्वालिफायर्स अब शुरू होंगे। डिफरेंस ये है फ्रेंड्स की, ऑफकोर्स 24 टीम्स पार्ट लेंगी यूरोज में एज कम्पेयर टू 16 जो पहले लेती थी। सो देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज जो क्वालिफाई नॉर्मली लेट्स से मिस आउट कर सकती हैं, वो क्वालिफाई कर सकती हैं फॉर द यूरोज। इटली को इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो उन्होंने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप मिस किया था बिकॉज दे कुड नॉट क्वालिफाई। बट यूरोप की अगर आप टॉप 24 में क्वालिफाई नहीं करोगे, देन ऑब्वियसली यू डोंट डिजर्व टू बी इन द टूर्नामेंट। इंग्लैंड ऑफकोर्स आर अ टीम जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी इन द वर्ल्ड कप, उससे पहले यूरो फाइनल हारी थी ऑफकोर्स, जिसमें इटली ने उन्हें हराया था, आपको याद होगा। और उनका ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव होगा टू विन द यूरोस फाइनली अंडर गैरेथ साउथगेट। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू, बट बिफोर वी डू दैट, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। विजन 11 का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो गो डाउनलोड विजन 11 नाउ। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? ये विजन 11 की टीम में मैं कैप्टन किसको बनाऊं, धवन को या रोहित? सर, मैंने तो रोहित को बनाया। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस लुक एट कि दोनों टीम्स के ग्रुप में और कौन सी टीम्स हैं और उनकी रिलेटिव फीफा रैंकिंग्स क्या है। सो आप देख सकते हैं, इंग्लैंड आर फीफा रैंकिंग नंबर 5, इटली आर फीफा रैंकिंग नंबर 8। और अगर आप बाकी कंट्रीज देखेंगे, यू विल सी कि यू हैव यूक्रेन, नॉर्थ मैसेडोनिया, माल्टा। सो अगर आप रियलिस्टिकली देखें, इट इज बिटवीन इंग्लैंड, इटली एंड यूक्रेन की जो टॉप टू होंगी वो क्वालिफाई करेंगी फॉर द यूरोस डायरेक्टली। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू टीम्स की वो एक बहुत ही हाई नोट पे, एक पॉजिटिव नोट पे अपना कैंपेन स्टार्ट करें, ताकि वो जल्दी से अपना क्वालिफिकेशन सील कर ले, रैप अप कर ले, सो दैट दे कैन फोकस ऑन द टूर्नामेंट। इटली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज उन्होंने लास्ट 2 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करा है, टू फाइनली क्वालिफाई फॉर यूरोज अभी, ताकि जो इंटरनेशनल फुटबॉल, इंटरनेशनल टीम के अराउंड जो बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हैं इटली में, बहुत सारी यू कैन से चीज़ें हैं जो बात हो रही हैं कि इटली की वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स एवर है, वो सब बातों को वो बिल्कुल बंद करना चाहेंगे। ये मैच होगा इटली के होम पे, इनफैक्ट ये मैच होगा नेपल्स में, नेपोली के होम स्टेडियम में, स्टाडियो सान पाओलो। सो द एटमोस्फेयर विल बी एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि दोनों टीम्स की क्या होंगी प्रोबेबल लाइनअप्स। अब बात करते हैं इटली की। मुझे लगा स्टैट्स इतने रेलिवेंट नहीं होंगे बिकॉज बहुत सारे न्यू फेसेस हैं जो अपनी टीम में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर डोनारूमा, पीएसजी के गोलकीपर। हमें पता है काफी अच्छे शॉट स्टॉपर हैं, बट बिग मैचेस में यू नो कि उन्होंने पीएसजी के लिए, मिलान के लिए, इटली के लिए कभी कभी हाई प्रोफाइल एरर्स करे हैं। सो ही समवन जो आई वुड से कि इज मोर लाइकली इन माय ओपिनियन टू मेक मोर सेव्स, बट अगर कोई कीपर ब्लंडर करेगा तो वो भी डोनारूमा हो सकते हैं। अगर आप बैक फोर की बात करें, सो यू हैव एचर्बी और मोस्ट लाइकली उनके साथ होंगे रोमानियोली, जो ऑफकोर्स खेलते हैं अब लाजियो के साथ। स्पिनाजोला होंगे लेफ्ट बैक और डी लोरेंजो होंगे राइट बैक। वेरी सिंपली अगर मुझे सम अप करना है मेरी रैंकिंग फॉर दिस इटालियन डिफेंडर, सबसे पहले जाऊंगा मैं डी लोरेंजो के पास, जो रहे हैं एब्सोल्युटली सुपर फॉर नेपोली सो फार दिस सीजन। वन ऑफ द रीजंस व्हाई नेपोली इतनी ऊपर है लीग में इज बिकॉज उनका डिफेंस इज वेरी वेरी सॉलिड, और उसका बहुत ही मेजर पार्ट है कैप्टन ऑफ नेपोली डी लोरेंजो, जो एक बहुत ही अच्छे डिफेंडर हैं बट ऑल्सो वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड। सो लेट्स से अगर आपको एक 1-0 इटली विन प्रिडिक्ट करनी है, अगर आपको एक डिफेंडर को कैप्टन करना है इटली के, देन डी लोरेंजो इज द वन जो मैं एटलीस्ट रेकमेंड करूंगा। एचोरबी की फॉर्म इज डिसेंट, ही समवन जो इंटर मिलान के लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिसेंटली, इनके जो डिफेंसिव नंबर्स हैं आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो मुझे लगता है कि सेंटर बैक्स में मैं एचोरबी को प्रेफरेंस दूंगा। राफाएल टेरॉय हैज बीन गुड फॉर एटलांटा, रोमानियोली ऑफकोर्स हैज बीन ऑल्सो वेरी गुड फॉर लाजियो दिस सीजन, बट आई थिंक मैं एचोरबी को प्रेफर करूंगा ओवर दीज टू प्लेयर्स। स्पिनाजोला में पता है वॉज सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस इटालियन टीम इन द यूरोस, ही वॉज वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर, बहुत ही अटैकिंग फुल बैक है, बट जब से वो अकेलीज इंजरी से वापस आए हैं हमें पता है कि स्पिनाजोला इज नॉट द सेम प्लेयर, थोड़ी सी पेस उन्होंने डेफिनेटली लूज करी है। सो स्पिनाजोला ने काफी डिसेंट परफॉर्मेंसेज रोमा के लिए करे हैं, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 90 मिनट्स इस मैच में कंप्लीट कर पाएंगे। अटैकिंग वाइज आई वुड से स्टिल इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर हम मिडफील्ड में बात करें, यहां पे मुझे लगता है कि एक रिलेटिव एडवांटेज है इटली की ओवर दिस इंग्लैंड टीम, इसलिए बिकॉज नॉट ओनली ये काफी हाई क्वालिटी 3 मिडफील्डर्स हैं, बट मुझे लगता है कि ये तीनों इटली के बेस्ट 3 मिडफील्डर्स हैं, जो क्रिएटिविटी वाइज, पोजेशन वाइज, डिफेंसिवली
काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो अगर आप देखें, जॉर्जिनियो इज द बेस्ट पासर ऑफ द बॉल, इनकी जो शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज पासिंग है, सो डेफिनेटली ही इज द वन जो आप मैक्सिमम पासिस इन तीनों में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो ऑफकोर्स इटली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जॉर्जिनियो इज ऑन पेनल्टीज। उसके अलावा अगर बात करें, बारेला इज द वन जो मुझे लगता है इन तीनों में से सबसे लाइकली गोल स्कोरर हो सकते हैं, असिस्ट प्रोवाइडर हो सकते हैं। ही इज द वन जिनकी जो एवरेज पोजिशनिंग होंगी ऑन द फील्ड वो सबसे आगे होगी एज कम्पेयर टू जॉर्जिनियो एंड वेराटी। बहुत टाइम्स आपको देखेगा फील्ड में कि बारेला इस चैनल में ऑपरेट कर रहे होंगे, समटाइम्स ऑन द राइट समटाइम्स ऑन द लेफ्ट, और जॉर्जिनियो और वेराटी थोड़े से विड्रॉन रोल में खेलेंगे। वेराटी ऑफकोर्स इज मेरे हिसाब से द बेस्ट इंटरसेप्टर, बेस्ट टैकलर ऑफ द बॉल, सो बेस्ट पासर, बेस्ट टैकलर, और मुझे लगता है बेस्ट गोल स्कोरर असिस्ट प्रोवाइडर हो सकते हैं। अगर आप बात करें इटली की वीकनेस की, वो है उनकी फ्रंट लाइन। यू कैन सी कि इटली जैसी टीम, जहां पे एक टाइम था मुझे याद है जब अलेसांड्रो डेल पियरो और फ्रांसेस्को टॉटी में से एक प्लेयर को खिलाते थे बिकॉज वो दोनों आपस में नहीं खेल सकते थे, इतने ऑप्शंस थे। और अब आप देखिए, ग्रीफो, स्कमाका, रेटेगोई, डोमिनिको बेराटी, ऐसे प्लेयर्स हैं जो इटली के लिए लाइनअप करेंगे। ऑफकोर्स देर इज नो फेडरिको किएसा, ही इज नॉट अवेलेबल। ऑफकोर्स आंड्रेया बेलोटी को पिक नहीं किया है, चीरो इमोबिले इंजर्ड है, सो आप देख सकते हैं देर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज विद दिस इटालियन फ्रंट लाइन। सो डिफेंसिवली दे आर ओके, मिडफील्ड में मुझे काफी पसंद है ये इटालियन टीम, बट गोल कौन स्कोर करेगा इज द बिग इशू। स्टिल अगर मुझे एक पिक करना होगा, मैं डोमिनिको बेराटी के पास जाऊंगा बिकॉज सासुओलो के लिए इनका जो रिसेंट फॉर्म है एट द क्लब लेवल एटलीस्ट हैज बीन वेरी वेरी गुड। Now let us go to England का probable 11 for this match, and Gareth Southgate और England की team predict करना हमेशा काफी मुश्किल होता है, तो we have to rely on media sources। कुछ leaks आते हैं training ground से, उससे हमें थोड़ा idea होता है। कुछ नाम आपको दिखेंगे काफी controversial, for example Calvin Phillips का अगर आप नाम देखेंगे, अगर आप simply Twitter जाके Calvin Phillips search करेंगे तो आपको कुछ sources दिखेंगे जिनके according he is expected to start, specially because Mason Mount ने स्क्वाड से विड्रॉ करा है। सो तीन लोगों ने बेसिकली स्क्वाड से पुल आउट करा है, एक है निक पोप, एक है मार्कस रैशफोर्ड और एक है मेसन माउंट, सो तीनों अवेलेबल नहीं होंगे फॉर इंग्लैंड इन द क्वालिफायर्स। दिस इज द सॉर्ट ऑफ टीम वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो बैक फोर खेलेंगे। जॉर्डन पिकफोर्ड इंग्लैंड के नंबर वन है, देर इज नो रीजन टू अज्यूम कि उनकी जगह रैम्सडेल स्टार्ट करेंगे। अगर आप बात करें डिफेंस में, सो डेफिनेटली जॉन स्टोन्स विल स्टार्ट, इतने मैं आपको गारंटी देता हूं। उनके साथ मैग्वायर होंगे या उनके साथ लूक शॉ होंगे या फिर उनके साथ काइल वॉकर होंगे ना बैक थ्री, ये इन चीजों का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि जोन्स और स्टोन्स और मैग्वायर दोनों खेलेंगे एज द सेंटर बैक। हमें पता है कि गैरेथ साउथगेट जो है वो मैग्वायर को काफी रेट करते हैं, ऑल द मैग्वायर के जो क्लब मैनेजर है एरिक टेन हाग वो उनको रेट नहीं करते हैं। सो एक्सपेक्ट अ मैग्वायर फॉर इंग्लैंड, डू नॉट एक्सपेक्ट अ मैग्वायर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप बात करेंगे फुल बैक्स की, सो लूक शॉ विल मोस्टली स्टार्ट एज ए लेफ्ट बैक, अगर वो खेलते हैं तो एक सेंटर बैक की तरह भी खेल सकते हैं थ्री एट द बैक सिस्टम में। राइट बैक में थोड़ा सा डाउट है, अगर लेट्स से गैरेथ साउथगेट थोड़ा ऑफेंसिव जाते हैं तो रीस जेम्स खेल सकते हैं, बट हमें लगता है कि काइल वॉकर का ज्यादा चांस है स्टार्ट करने का। अगर आप मिडफील्ड बात करें, कैल्विन फिलिप्स की बात कर चुके हैं, फिटनेस उनकी क्या है आई एम नॉट श्योर, इन्होंने हार्डली एनी मिनट्स खेले हैं मैन सिटी के लिए पूरे सीजन, सो इनको मैं फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूंगा। डेक्लन राइस ऑब्वियसली इस संबंध जो लो स्कोरिंग इनकाउंटर्स में काफी डिसेंट करते हैं, और इस मैच का बहुत ज्यादा चांस है मेरे हिसाब से 0-0 फिनिश होने का, सो इन दैट सिनेरियो डेक्लन राइस आपको डिसेंट टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स, डिसेंट पासिंग नंबर्स दे सकते हैं। बट ऑफकोर्स जो मेन प्लेयर है इन द मिडफील्ड इज जूड बेलिंगहम, हु हैज बीन एब्सोल्युटली सुपर्ब फॉर बोरुशिया डॉर्टमुंड दिस सीजन, वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब फॉर इंग्लैंड इन द वर्ल्ड कप एज वेल। राइजिंग स्टार है इंग्लिश फुटबॉल के, राइजिंग स्टार है इंग्लैंड मिडफील्ड के, गोल असिस्ट चांसेस क्रिएटेड टैकल इंटरसेप्शन पासेस सब आपको देंगे, ही इज अ ब्रिलियंट ऑप्शन फॉर योर टीम। अगर आपको लगता है इंग्लैंड 2-3 गोल स्कोर करेगी, आई डू नॉट माइंड अगर आप इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे पंट भी देते हैं। अगर आप फ्रंट थ्री की बात करें, सो दो प्लेयर मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा फॉर श्योर, वो है हैरी केन जो ऑब्वियसली कैप्टन है, ही इज द वन जो उनकी पेनल्टी टेकर है, टॉप स्कोरर है, और नॉर्मली इंग्लैंड के लिए अगर कोई गोल स्कोर करता है इट इज नॉर्मली हैरी केन। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई इग्नोर बुकायो साका हु हैज बीन फिनोमिनल। अगर अर्लिंग हालैंड को हटा दें मेरे हिसाब से वो प्रीमियर लीग के प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं, ही हैज बीन एब्सोल्युटली सुपर्ब फॉर आर्सेनल, गोल्स असिस्ट क्रिएटिविटी। इनफैक्ट अगर आप मैच के एंड में, मैं गारंटी देता हूं आपको, एवरेज पोजीशन देखेंगे सबसे आगे साका होंगे, केन से आगे होंगे, ग्रेलिश से आगे होंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेनल्टी एरिया टचेस हैं ऑपोजिशन बॉक्स में, वो भी मैं आपको गारंटी देता हूं बुकायो साका के होंगे। सो ही मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक हो सकते हैं फ्रॉम दिस इंग्लैंड टीम। सो क्या हमारी टीम में है, क्या हमारी टीम में कैप्टन है या वाइस कैप्टन है,
चल के देखते हैं इन द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। तो देख सकते हैं आप बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन में आई एम बैकिंग एन इंग्लैंड विन। क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे लगता है इटली अपने होम पे शॉक कर सकती है इंग्लैंड को? ऑफकोर्स दे आर द यूरोपियन चैंपियंस, ऑफकोर्स अपने होम पे खेल रही है नेपल्स, नेपोली का होम ग्राउंड काफी इंटिमिडेटिंग हो सकता है। बट करेंटली अगर आप बात करें, मैं इंग्लैंड को थोड़ा सा ज्यादा चांस दूंगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मेनी गोल्स, मुझे लगता है कि लो स्कोरिंग मैच होगा। सो या तो मैं इंग्लैंड का 1-0 या फिर एक 1-1 या फिर एक 0-0 टाइप का स्कोर लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूं फॉर दिस मैच। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप देर आर गोल्स, बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ टीम आई एम गोइंग फॉर। सो मैंने पिक किया है बेसिकली पूरा इंग्लैंड डिफेंस को, जो भी चार प्लेयर खेलेंगे। इजिली अगर आपको एक प्लेयर कैप्टन करना है फ्रॉम द डिफेंस, इट इज लूक शॉ, बिकॉज ही समवन जो बहुत सारे कॉर्नर्स लेंगे, फ्री किक्स लेंगे, चांसेस क्रिएट करते हैं इंग्लैंड के लिए। मुझे लगता है वैसे भी ऑफेंसिवली काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं लूक शॉ, सो डेफिनेटली शॉ इज द वन जिनको आप आराम से कैप्टन कर सकते हैं अगर आपको लगता है लो स्कोरिंग विन होगी, इवन अगर आपको लगता है एक 0-0 ड्रॉ होगा। बाकी अगर बात करें, मैंने पिक किया है जूड बेलिंगम को, जिनकी मैंने बात करी थी, बुकायो साका एंड हैरी केन। सो फॉर अ लो स्कोरिंग विन, दीज आर द 7 प्लेयर्स जो मेरे ख्याल से काफी इजिली हम इमेजिन कर सकते हैं इंग्लैंड के लिए कैन डू वेल। अगर आपको लेट्स से लगता है कि इंग्लैंड गोल कंसीड करेगी, तो आराम से लेट्स से आप वॉकर टाइप का प्लेयर हटा के या मैगवायर टाइप का प्लेयर हटा के जैक ग्रेलिश के ऊपर पंट ले सकते हैं, डेक्लिन राइस के ऊपर पंट ले सकते हैं। आई वुड पर्सनली गो फॉर जैक ग्रेलिश। अगर आप बात करें फ्रॉम एन इटालियन पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्राइकर्स में काफी स्ट्रगल है एज आई सेड, तो मिडफील्डर्स को मैं प्रायोरिटाइज करूंगा। मैंने लिया है जॉर्जिनियो एंड बारेला। जॉर्जिनियो डेफिनेटली लीजिएगा बिकॉज ही समवन जो पेनल्टीज पे है, टैकल डिसेप्शन नंबर्स एक्सेट्रा देंगे, पासिस देंगे, पेनल्टीज पे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बारेला वेराटी में मुझे लगता है कि अगर कोई प्लेयर है जो मेरे ख्याल से ज्यादा गोल असिस्ट कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो मेरे ख्याल से बारेला है। रीसेंट फॉर्म इज नॉट दैट गुड, बट ओवरऑल आई थिंक क्वालिटी ऑफ प्लेयर इज वेरी वेरी गुड। डिफेंस में मैं डी लोरेंजो को पिक किया है, मुझे लगता है काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है ये डिफेंस और अटैक का। अटैकिंग रिटर्न्स दे सकते हैं, चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, कैन ऑल्सो गिव यू गुड टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स। अगर आपको लेट्स से कोई और चाहिए, थोड़ा और रिस्की ऑफेंसिव पिक चाहिए, स्पिनर जो लगे जा सकते हैं, थोड़ा और रिलायबल पिक चाहिए, एचआरबी जैसा प्लेयर ले सकते हैं। डोनारुमा को मैंने पिक किया है गोलकीपर। इसमें आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 0-0 होगा, देन आप शॉ और स्टोन्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एक नैरो 1-0 विन होगी इंग्लैंड की और लेट्स से हैरी केन साका कोई गोल स्कोर नहीं करेंगे, तो मे बी आप पिकफोर्ड को लेके एक अटैकर भी ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एन इटालियन विन, अगर आपको लगता है इटली का कोई प्लेयर गोल स्कोर करेगा, आई वुड स्टिल से कि डोमिनिको बेराटी इज द वन जो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर हो सकते हैं, ऑल्दो मैं बहुत ट्रस्ट नहीं करूंगा। सो दीज आर सम ऑप्शंस जो एक्सप्लोर कर सकते हैं आप इन योर फैंटेसी टीम। सो होप दिस वॉज यूजफुल। लेट्स सी कि हाउ इंग्लैंड एंड इटली किक ऑफ देयर यूरो क्वालिफिकेशन कैंपेन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर लगा, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून। चीयर्स गाइस।